हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक मेट्स। मैं हूँ उमेर। तो गाइस, आज मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा पावटून से आप किस तरह एनिमेशन बना सकते हो। यानी ये पूरा फुल ट्यूटोरियल है जिससे आप पावटून से पूरा एनिमेशन बनाना सीख जाओगे। तो मैं प्रो वाली चीज़ें नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा आपको जो फ्री जो उसमें टूल्स अवेलेबल है उनका यूज़ करके आप कैसे एनिमेशन बना सकते हो। तो एक पूरा ट्यूटोरियल है। तो जो एनिमेशन हम बनाएंगे वो ये है, तो मैंने पहले से बना लिया है ताकि आपको सिखा सकूँ किस तरह एनिमेशन बनता है। बड़ा ही सिंपल सा एनिमेशन है जहाँ पर मैंने वॉइस ओवर करा है। तो आप ये देखो। यस, 4 साल बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके जॉब लग गई मेरी। ए ऊपर वाले कैसे नौकरी लगवा दी, बंदी भी पटवा दो साला। 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, लड़की की सूरत नहीं दिखी तो यार बात कहाँ से करता। ए ऊपर वाले लड़की पटवा दो, पटवा दो। सॉरी ऊपर वाले, पता नहीं क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता हूँ मैं। यस, ऊपर वाले ने सुन हाय ली। आ गई मजनू, बंदी। हाय हाय मजनू, हाय हाय मजनू, कैसी हो? हाय मजनू, नाम क्या है हाय तुम्हारा? अरे नाम तो मजनू, बताओ। हाय मजनू, अच्छा चल छोड़, चल हाय कहाँ से है तू मजनू, ये बता दे। अच्छा हाय मजनू, क्या बॉयफ्रेंड है हाय तेरा? मजनू, अरे यार हाय कुछ मजनू, बोल ही नहीं रही। हाय अबे मजनू, क्या है, बोलती हाय रहती मजनू, हाय बस, कुछ और भी तो मजनू, बोल। ऊपर वाले हाय कैसे मजनू, बंदी दे दी? हाय मजनू, हाय के हाय अलावा मजनू, कुछ बोलती नहीं हाय है। मजनू, ऊपर वाले एक ही तो हाय बंदी मजनू, थी, वो भी हाय सिर्फ हाय मजनू, बोलती है। हाय कैसी मजनू, फूटी किस्मत है, कटोरे हाय की तरह मजनू, छेद वाला हाय कटोरे वाली मजनू, किस्मत है मेरी। हाय मजनू, बस ये ऊपर वाले हाय तू तो मजनू, उठा ले मुझे, हाय उठा मजनू, ले, उठा ले मुझे। हाय मजनू, सही में उठा हाय मजनू, लिया। हाय मजनू। तो गाइज, ये था एनिमेशन जो मैंने पावटून का यूज़ करके बनाया। तो हम जानते हैं कि कैसे बना हमने एनिमेशन, तो उसके लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ बिना देर करे। दोस्तों, यहाँ आ गए हैं हम पावटून के होम पेज पर। तो ये है www.powtoon.com/home। तो गाइज, ये है वेबसाइट जहाँ पर आप बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड वीडियोज़ और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और इससे काफ़ी हद तक आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं 7.5 करोड़ से ज़्यादा पावटून क्रिएट किए गए हैं इस वेबसाइट के यूज़ करके। मजाक नहीं है, कोका कोला जैसी कंपनी, ईबे, स्टारबक्स जैसी कंपनी है अपनी मार्केटिंग की वीडियोस बनाती हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो ये पावटून है सिंपली। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको साइन अप कैसे करना है इसके लिए। बड़ा ही सिंपल साइन अप प्रोसीजर है इसका। तो साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। साइन अप करने के लिए अभी आप बहुत सारे ऑप्शन है। आप गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस से, 365 से, आप लिंक्डइन से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सिंपली साइन अप करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है पावटून का आपके पास वर्किंग स्पेस। तो मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है यहाँ पर वर्किंग स्पेस में। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं आप कौन सी बनाना चाहते हैं वीडियो उसके हिसाब से। जैसे ये मोबाइल ऐप वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो रेज्यूमे बनाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर आप इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं, हमें चाहे तो पावर पॉइंट आप इंपोर्ट कर लो, इसमें अडोब फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट हो जाती है सब। और यहाँ पर ब्लैंक पावटून क्रिएट कर सकते हो, आप मोबाइल के लिए क्रिएट कर सकते हो, और आप इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हो या हॉरिजॉन्टल वीडियो बना रहे हो तो आप वो कर सकते हो। तो सिंपली आपको ब्लैंक पावटून पे क्रिएट करना है गाइस। तो हमें बता देता हूँ पावटून क्रिएट कैसे होता है। ब्लैंक पे क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका पावटून क्रिएट हो चुका है। तो आपको जल्दी जल्दी पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न फेस, वाइट बोर्ड एनिमेशन, कार्टून, इन्फोग्राफिक्स, रियल, तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। तो हम मॉडर्न एज वाले से जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है पावटून का पूरा इंटरफेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि इसमें है क्या। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड ऐड करेंगे, आप पिक कलर कर सकते हैं, या तो आप अपलोड कर सकते हैं इमेज, इमेज अपलोड कर सकते हैं, या तो आप फीवर का जो फ्रीलांसर है हायर करके कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं मीडिया से, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड को। यहाँ से आप करते हैं टेक्स्ट ऐड। टेक्स्ट ऐड करने ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये टेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक्स, बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना गाइस। वो आपके ऊपर है आप यूज़ करना चाहते हैं तो या नहीं। और यहाँ से कैरेक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये ऑफ, ये प्रो वाले हैं। प्रो वाले ऑब्वियसली प्रो वाला वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस वाले में भी अच्छे खासे कैरेक्टर्स हैं अगर आप बेसिक वीडियो बनाना चाहते हो, अगर बिगनर हो सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं, यहाँ से ऐसे ऐड हो जाता है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ से ये चेंज हो जाते हैं इसके एक्सप्रेशन, और बहुत सारे इफेक्ट्स, टाइमिंग्स, ये आप चेंज कर सकते हो यहाँ सेटिंग से, तो मैं आगे बताऊँगा। यहाँ से प्रॉप्स ऐड हो जाते हैं, जैसे भी आपको कुछ कंप्यूटर ऐड करना है, लैपटॉप ऐड करना है, ठीक है ना गाइस, ये सब ऐड हो जाता है यहाँ से। और यहाँ से आप शेप्स एडिट कर सकते हो, कॉल टू एक्शन के लिए कि यार सब्सक्राइब करो, बाय नाउ, शेयर, और ये सब। यहाँ से इमेजेस ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो के लिए,
यहाँ से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो अपनी एनिमेटेड वीडियोस के लिए, यहाँ से वीडियोस ऐड कर सकते हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और बड़ा ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। यहाँ से आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हो अपने जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं दूसरा सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, तो अगर आप चाहो तो इसको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यह शायद प्रो में है, तो यहाँ से म्यूज़िक भी ऐड हो जाएगा बाकी सब, ठीक है ना गाइस। तो ये रहा हमारा पूरा ऐड करने वाली चीज़ें जो आप कर सकते हो। अब मैं आपको स्लाइड की डिटेलिंग बता देता हूँ। तो स्लाइड्स यहाँ से ऐड होती हैं, ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो उसको, यहाँ से इस स्लाइड को आप एक्सटेंड कर दो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब ये होती है हमारी स्लाइड में जो आपको ब्लैंक दिख रही है, और नीचे होती है टाइमलाइन कैरेक्टर्स के हिसाब से। ये तो उसका टाइमलाइन है, ठीक है। ये होती है टाइमलाइन, जैसे मैंने एक कैरेक्टर ऐड करा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये होती है टाइमलाइन, अब ये कैरेक्टर कितनी देर तक चलेगा वो, जैसे 10 सेकेंड इसको आप कम कर सकते हो, या तो आप चाहते हो कि बीच तक ही रहे, तो ये कैरेक्टर यहाँ से इस तरह से गायब हो जाता है, ठीक है गाइस, ये हट गया। आप चाहो तो इसकी एग्जिट चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको ऐसे मोड़ सकते हो, सेटिंग्स में जाके आप एनिमेट कर सकते हो उसको, और इनकी ऐसे पोजीशंस भी चेंज कर सकते हो आप, तो वो सब मैं आप आगे आपको बता दूंगा। तो ये है सिंपल इंटरफेस स्लाइड्स का, ठीक है ना गाइस। अब हमें अपनी एनिमेटेड वीडियो बनाना है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी गाइस, जो कि इस तरह थी, ठीक है ना। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाई मैंने, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को आगे तक बिना देर करे। तो गाइस अब हम बनाएंगे अपनी एनिमेटेड मूवी। तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान से सुनना है कि किस तरह एक एनिमेटेड मूवी बनती है। तो आपको डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर में एनिमेशन बनाना शुरू नहीं करना होता, पहले आपको प्लानिंग करना होती है उसकी। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको वर्ड फाइल में जाना है। जैसे मेरी जो मूवी अब मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, उसके बहुत ही इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक एनिमेटेड मूवी के। किसी भी एनिमेटेड मूवी बनाएंगे तो आपको ये सब करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उस एनिमेटेड स्टोरी जो या मूवी या वीडियो बना रहा हूँ उसकी स्टोरी लिखना पड़ती है। जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियर था जो फ्रस्ट्रेटेड था जॉब से, उसको बंदी नहीं मिल रही थी, उसको बंदी चाहिए थी लेकिन बंदी मिली तो वो सिर्फ हाय बोलती थी, लेकिन वो परेशान आ गया उससे, ठीक है। एक स्टोरी लिखाती है आपकी। दूसरी बात आती है स्टोरी के साथ आपका एक जेनरे होता है, ठीक है। जेनरे मतलब ये होता है कि यार ये कॉमेडी वाली है क्या है, तो मेरा जो था वो कॉमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टोरी के साइड में लिख लिए ध्यान रखने के लिए, क्या ये कॉमेडी है मेरा, ठीक है, कॉमेडी स्केच बना रहे हो आप, ठीक है, कॉमेडी। अब यहाँ पर आप पूरी अपनी स्टोरी लिख लो पहले। सबसे पहले स्टेप्स ये होती हैं, एनिमेटेड वीडियो कोई सी बना रहे हो आप, यही स्टेप्स फॉलो होती हैं, ठीक है। फिर सेटिंग आती है, जैसे ये सिंपल वीडियो तो इसमें एक ही सेटिंग है, एक ही सीन पे हो रहा है सब, कि एक एलिवेटर का सीन है जहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैरेक्टर्स आते हैं, तीसरा कि मैकेनिकल इंजीनियर है और एक ड्रीम गर्ल है उसकी, तो मैकेनिकल इंजीनियर को हम कोई सा भी लड़के वाला कैरेक्टर ले लेंगे, ड्रीम गर्ल के लिए ऑब्वियसली लड़की लेंगे, ठीक है। फिर आती है स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइज, यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट शुरू होती है मैकेनिकल इंजीनियर से, जहाँ पर वो कहता है यस फाइनली 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी लग गई है मेरी, ठीक है। ये पूरे आपका आप डायलॉग लिखोगे, डायलॉग के बाद आप ये बताओगे कि यार उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो सोच रहा होगा या खुश होकर बोल रहा है, तो यहाँ पर वो सोच रहा है तो वाला एक्सप्रेशन हम सॉफ्टवेयर के उससे डाल देंगे, पावरटून के उससे, लिमिटेड है लेकिन अच्छी मूवी वीडियोस बन जाती हैं उससे, ठीक है। अब इसको पूरे डायलॉग को बोलने में आपको सही से जो भी एक्सप्रेशन या साउंड मॉड्यूलेशन आप लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहा है, 10 सेकेंड लगा रहे हैं मुझे, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। स्लाइड वन में मेरा ये आ जाएगा। अब अगले स्लाइड में एक तो मैकेनिकल इंजीनियर कभी लड़की देखने को नहीं मिली, और ये वाला डायलॉग आएगा तो वो सैड होकर बोलेगा और 8 सेकेंड तक चलेगा। फिर ड्रीम गर्ल का इसमें एक ही डायलॉग था, हाय मजनू, क्योंकि उसके अलावा कुछ बोलती नहीं थी वो, तो ठीक है ये चीज़ आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग हो जाती है पूरी एनिमेटेड वीडियो की जो आप बना रहे हो, उससे क्या होता है आप एनिमेशन आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको पता रहता है मुझे कौन सी स्लाइड पे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह आप पूरी एनिमेटेड वीडियो की आपकी प्लानिंग कर सकते हो। तो अब यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि आप किस तरह अपनी वीडियो को बनाओ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये है पूरा पेज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप जाके बैकग्राउंड ऐड कर लो। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए आपको अपलोड अ पिक, तो अपलोड कर लो आप, तो ये देख सकते हो एलिवेटर वाला मेरा ये, तो मैं इसको डाल दूंगा जिस तरह से ये डला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये एलिवेटर वाला मैंने सीन डाल दिया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बहुत जल्दी। तो ये एलिवेटर वाला मेरा सीन आ गया, ठीक है। मैं 2-3 स्लाइड्स आपको एनिमेट करके बता रहा हूँ कि किस तरह होगी, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे टाइमलाइन देख सकते हो, अब यहाँ पर हम अपना कैरेक्टर ऐड करेंगे। तो मैंने कौन सा कैरेक्टर लिया था, मैंने ये कैरेक्टर लिया था। इस कैरेक्टर को यहाँ से आप बड़ा कर दो और इसको हल्का सा यहाँ खिसका दो, ठीक है ना। अब हमारा पहला डायलॉग क्या था, मैं आपको पहली स्लाइड का एनिमेशन बता रहा हूँ। यस फाइनली 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी लगी गई ए ऊपर वाले,
जैसे नौकरी लगवा दी वैसे छोरी और दिलवा दो, बहुत ही भला हो जाएगा, ठीक है। ये वो बोल रहा है 10 सेकंड में, ठीक है। अभी हमें पहले टाइम फिक्स कर लेना है इस डायलॉग का, तो 10 सेकंड ही हो गए। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो इस पर आओगे, यहाँ आओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर थिंकिंग वाला वो डाल दोगे, ठीक है। ये थिंकिंग वाला मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना दोस्तों, ये थिंकिंग वाला मैंने डाल दी। अब अगर आप प्ले करोगे तो ये पूरा आप डायलॉग आपका प्ले होगा, जो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड कर दोगे, है ना। और ये सोचता रहेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब अगली स्लाइड के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना कि आप दूसरी ब्लैंक स्लाइड लो, आपको इसी स्लाइड को करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद आपका अगला डायलॉग जो था, जो यहाँ से आपने लिया था कि एक तो मैकेनिकल इंजीनियर था तो मुझे लड़की देखने को मिलती नहीं थी, तो बात क्या होती मेरी, ठीक है। यहाँ से आप ये ले लोगे, इसको 8 सेकेंड कर दोगे, और यहाँ से इसका एक्सप्रेशन चेंज करके आप कर दोगे सैड। तो अगर आप इसको प्ले करके देखोगे, इधर से मैं दिखा देता हूँ, तो एक ही फ्लो में चली गई ये पूरी चीज़। तो आपको ऐसा ही लगा कि आपने स्लाइड चेंज करी है, ठीक है ना गाइस, इस तरह से होगा वो। मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ आप सही होगा यार ये, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ ताकि टाइम बचे आपका थोड़ा। तो ये देखिए वो सोच रहा है, अब वो सैड हो गया, ठीक है ना गाइस। इस तरह आप वॉइस ओवर कर दोगे डायलॉग्स का। अब मैं आपको ये बता दिया मैंने कि हुआ कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने किया है ये। मैंने एनिमेशन यहाँ से बनाया है, और जो वॉइस एडिटिंग की थी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दी थी, मोवावी के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सोच रहा है पहले, फिर ये सैड हो जाता है कि यार इसको बंदी नहीं मिली, फिर गुस्सा हो जाता है कि यार आज तक बंदी नहीं बनी मेरी, और फिर सैड हो जाता है क्योंकि वो गॉड पर तो गुस्सा कर नहीं सकता गाइस, ठीक है ना। अब फिर वो एक गॉड उसकी सुन लेते हैं, तो एकदम बंदी आ जाती है उसके पास। तो बंदी को लाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर यहाँ से ही इस बंदी को, यहाँ से ऑफिस वाली बंदी को, यहाँ से कौन सी बंदी ली थी, अरे मैंने कौन सी ली थी रे, ये ली थी ना, इसको यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया था ऐसे, और यहाँ से इसका पोजीशन चेंज करके इसको बड़ा छोटा कर दिया था, ठीक है गाइस। और यहाँ पर इसके भी एक्सप्रेशन आप ऐड कर सकते हो, हाय वाले, तो हाय बोलेगी सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ से डिलीट कर दिए इसको, तो इस तरह मैंने ऐड कर दिया, और इन दोनों को यहाँ पर एक साथ कर दिया, तो इन दोनों के 7 एक्सप्रेशन चलेंगे। फिर वो जो कैरेक्टर है वो अपने डायलॉग बोलता रहेगा। इस तरह से आप पूरा अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर एंड में जो होता है वो मैंने में दिखा देता हूँ आपको, कि एक कैरेक्टर एग्जिट कर लेता है और एक नहीं कर पाता। तो दोनों कैरेक्टर्स थे यहाँ पर, तो इस कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर एंडिंग करवा दी, क्योंकि वो कहता है यार मुझे उठा लो, तो ठीक है ना। इस कैरेक्टर को मैं यहाँ लाया था, और मैंने क्या करा था, इसका जो इफेक्ट, इफेक्ट में एक एग्जिट होता है कि एक कैरेक्टर कैसे एग्जिट करेगा। एंट्री पर तो मैंने नो इफेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि एंट्री में तो वही का वही है। एग्जिट पे अप कर दिया मैंने, तो वो वहाँ से उठ जाएगा, ठीक है गाइस। और जो लड़की वाला कैरेक्टर है, जो लड़की है हमारी, वो एंड तक ही रहेगी, जो आप देख सकते हैं इसकी टाइमलाइन एंड तक है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं स्लाइड पे इस तरह वो ऊपर चले जाता है, ठीक है, ये चला गया ऊपर, वो आके कहता है सही में उठा लिया मुझे क्या, और ये लड़की हाई बोलती रहती है। तो इस तरह हमारा एनिमेशन एंड हो जाता है। यहाँ पर आप थैंक यू लिख दिए और एनिमेशन एंड हो जाएगा, जो बस यही था सब कुछ इस एनिमेशन वाले उसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बताना थी आपको, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे एनिमेटेड मूवी का हमने पूरा वो बना लिया है। अब डायलॉग्स का ऐड करना है, तो वो हम इससे ऐड नहीं करेंगे, मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा मोवावी का। तो यहाँ पर आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ ये पूरी मूवी किस तरह चल रही है। तो इस तरह डायलॉग एड्स होंगे, तो एक के बाद एक स्लाइड चलती जाएगी हमारी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको कोई सा भी स्क्रीन रिकॉर्डर लेना है, तो ये मैं ये ले रहा हूँ मोवावी का। तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है इस एरिए को, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप सिलेक्ट करो इसको, और यहाँ तक आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है आपको, और फिर आपको जाना है शुरू से, ठीक है गाइस। शुरू से आपको जाना है फर्स्ट स्लाइड पे जाके, आपको सिर्फ यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देना है पहले से ही, ओके कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपको सिंपली बस भाई एक सिंपली सी चीज़ करना है, इसको स्टार्ट कर देना है, और ये ऊपर आपका पूरा एनिमेशन रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके इसको रख लो। तो गाइज़ यहाँ मेरा लैपटॉप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली थी, वहाँ पर आपको बताया था जैसे कि पावरटून वाली स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली, तो वो लेयर ये रही, ठीक है ना। फिर मैंने अपने डायलॉग्स वाली लेयर्स ऐड कर दी, यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स डाल दिए उसके, ये सब हो गया। और यहाँ पर मैंने जो वाटर मार्क होता है इसमें, जैसे ये जो दिखता है आपको वाटर मार्क, ये दिख रहा होगा कोने पर, तो ये वाटर मार्क मैंने सब्सक्राइब वाला एलिमेंट लगा के हटा दिया। तो अगर हम आपको एनिमेशन जो मैंने शुरू में दिखाया था वो यही था, ऐसे ही बना था वो, ठीक है ना गाइस। तो इसी तरह ये बनता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया इन द एंड कैसे बनाई। सो सी या।